सो गाइस आज हम बताने वाले कुछ स्टेप का बैकग्राउंड चेंज फोटो एडिटिंग ट्यूटोरियल जो हम पिक्सल एप्लीकेशन सिखाने वाले आप सबको। सो गाइस कुछ इस तरह का अगर फोटो एडिटिंग करना चाहते हो तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखना हो तो अंत तक देखने की बात ही आप सबको समझ में आ जाएगा। सो फ्रेंड्स चलो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस कुछ इस तरह का फोटो एडिटिंग करने के लिए हमें पहले पिक्सल एप्लीकेशन को पहले इंस्टॉल कर लेना है, देन इसे हमें ओपन कर लेना है, ठीक है। देन गाइस नीचे जो प्लस वाला आइकन है वहाँ पर हमें टैप कर देना और एडिट ए फोटो पर हमें टैप कर देने के बाद हमें एक बैकग्राउंड को हमें ऐड कर लेना है। सो गाइस इस वाले बैकग्राउंड का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ पर जाकर से डाउनलोड कर लेना। तो पहले ए वाला जो बैकग्राउंड है बैकग्राउंड को ऐड कर देने के बाद अभी हमें क्या करना है, अभी हमें सिंपली ऐड फोटो पर जाना है और मॉडल का जो पिक्चर है उसको हमें ऐड कर लेना है। सो यहाँ पर मैं मॉडल का पिक्चर को ऐड कर लिया हूँ। तो ऐड कर देने के बाद अभी हमें क्या करना है, अभी हमें बैकग्राउंड जो है बैकग्राउंड का हमें रिमूव कर लेना है। सो इसलिए हमें क्या करना है, इसलिए हमें बैकग्राउंड देख सकते हो इस बैकग्राउंड बीजी यहाँ पर टैप कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें टैप कर देने के बाद यहाँ पर रिमूव बैकग्राउंड पर हमें टैप कर देना है तो ऑटोमेटिकली हमारा जो बैकग्राउंड है बैकग्राउंड इरेजर हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग भी कुछ इस तरह से बैकग्राउंड को इरेज कर सकते हो, बहुत ही सिंपल ट्रिक है। तो कुछ इस तरह से कर देने के बाद अभी हमें कुछ इस तरह से चेयर के ऊपर सेट कर देना है, ठीक है। तो आप लोग भी कुछ इस तरह से सेट कर देना, मैं यहाँ पर जल्दी जल्दी कर लेता हूँ, आप सब धीरे धीरे कर लेना, ठीक है। तो इतना काम कर देने के बाद अभी हमें डन कर देना है और फिर से हमें ऐड फोटो पर जाना है और ऐड फोटो पर जाने के बाद यहाँ पर हमें ग्रास पीएनजी को हमें ले लेना है, ठीक है। तो इसे हमें ऐड कर लेना है। तो यहाँ पर हमें दो पीएनजी को ऐड कर लिया हो और इन सभी पीएनजी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दूंगा, वहाँ पर जाकर से डाउनलोड कर लेना। तो ये वाला जो ग्रास पीएनजी इसे हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें ऊपर की साइड पे सेट कर देना है, नीचे की साइड पे, और इसे भी हमें कुछ इस तरह से एडजस्टमेंट करके सेट कर देना है, ठीक है। तो आप लोग भी कुछ इस तरह से कर लेना। तो इतना कर देने के बाद अभी हमें सिंपली डन कर देना है। इतना काम कर देने के बाद अभी हमें क्या करना है, अभी हमें फिर से जाना है ऐड फोटो पर और ऐड फोटो पर जाने के बाद एक ट्री पीएनजी को हमें ऐड कर लेना है और एक हेयर पीएनजी को हमें ऐड कर लेना है, ठीक है। तो ये वाला जो हेयर स्टाइल पीएनजी है इसे भी मैं ऐड कर लेता हूँ। तो जो ट्री पीएनजी है इसे हमें कुछ तरह से लेफ्ट साइड पर सेट कर देना है। तो इतना काम कर देने के बाद अभी हमें क्या करना है, अभी हमें हेयर जो पीएनजी इसे भी हमें कुछ तरह से एडजस्टमेंट करके सेट कर देना है, ठीक है। और आप लोग अगर हेयर ठीक ठाक से सेट नहीं हुआ तो आप लोग इरेजर ब्रश के मदद से आप लोग इरेज कर सकते हो और कुछ तरह से सेट कर देना है, ठीक है। तो इतना कम कर देने के बाद अभी हमें क्या करना है, अभी हमें सिंपली ऐड फोटो पर जाना है और ऐड फोटो पर जाने के बाद एक बर्ड फेंज को ले लेना है और यहाँ पर मैं बर्ड फेंज को ऐड कर लिया हूँ। तो इतना ऐड कर देने के बाद जो ये वाला जो बर्ड पेंच है इसे हमें नीचे के साइड पर सेट कर देना है और जो वेड बर्ड पेंच है उसको हमें रोटेट कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर रोटेशन ऑप्शन पर जाकर इसको हमें रोटेट कर लेना है, देन इसे हमें इस तरह से सेट कर देना है और इसका ऑपेसिटी को थोड़ा सा कम कर लेना है। तो इतना कम कर देने के बाद अभी हमें सिंपली डन कर देना है पिक्चर को। तो यहाँ पर हमारा काम खत्म हो गया। तो अभी हमें कलर एडजस्टमेंट कर लेना है, ठीक है। तो कलर एडजस्टमेंट करने के लिए हमें पहले पिक्चर को सेव कर लेना है और सेव कर देने के बाद गैलरी पर आ जाने के बाद यहाँ पर ये वाला जो पिक्चर था उसको हमें लाइट रूम के अंदर ऐड कर लेना है, ठीक है। तो आप लोग भी कुछ इस तरह से ऐड कर लेना। देन यहाँ पर ऑल फोटोज देन पिक्चर ओपन। तो अभी हमें क्या करना है, अभी हमें जो लाइट वाला जो आइकन है आइकन पर हमें टैप कर देना है, देन यहाँ पर कॉन्टेस्ट को थोड़ा सा कम कर लेना है और यहाँ पर हाईलाइट को भी थोड़ा सा कम और यहाँ पर शैडो को थोड़ा सा कम और यहाँ पर व्हाइट को भी थोड़ा सा कम कर लेना, ठीक है। देन यहाँ पर ब्लैक को भी थोड़ा सा कम कर लेना है। देन यहाँ पर नीचे देख सकते हो टेम्परेचर वाली जो आइकन है आइकन पर हमें टैप कर लेना है। सो यहाँ पर टेम को थोड़ा सा कम कर लेना है और यहाँ पर विब्रेंस को थोड़ा सा इंक्रीज और सैचुरेशन को थोड़ा सा इंक्रीज कर देना है, ठीक है। तो इतना कर देने के बाद अभी हमें मिक्स टूल के अंदर आ जाना है। देन यहाँ पर पहले वाला कलर को सैचुरेशन को इंक्रीज कर देना है और सेकेंड वाला कलर पर जाएंगे यहाँ पर सैचुरेशन को डिक्रीज और यहाँ पर लुमिनस को थोड़ा सा इंक्रीज कर देना है। तो इससे हमारा जो फेस थोड़ा सा व्हाइट हो जाएगा। तो अभी हमें क्या करना है, अभी हमें जाना है यहाँ पर देख सकते हो जो ग्रीन कलर है ग्रीन कलर पर आ जाएंगे और यहाँ पर ह्यू को थोड़ा सा कम कर लेना है और सैचुरेशन को थोड़ा सा इंक्रीज कर देना है, ठीक है। तो इससे हमारे देख सकते हो जो बैकग्राउंड है बैकग्राउंड चेंज हो रहा है। तो अभी हमें स्काई कलर पर आ जाएंगे और ह्यू को थोड़ा सा कम और सैचुरेशन को थोड़ा सा इंक्रीज कर देना है। तो इतना कर देने के बाद अभी हमें सिंपली डन कर देना है। देन ये वाला जो नीचे जो आइकन है आइकन पर हमें टैप कर देना है और यहाँ पर टेक्स्चर क्लैरिटी इसे भी हमें थोड़ा सा ऐड कर लेंगे। देन ये वाला आइकन पर हमें टैप कर देना है
और यहाँ पर शार्पनिंग नॉइस रिडक्शन और कलर नॉइस रिडक्शन को भी थोड़ा सा ऐड कर लेंगे पिक्चर के अंदर। ओके तो इतना कम कर देने के बाद अभी हमें पिक्चर को सेव कर लेना। तो यहाँ पर हमारा जो पिक्चर है वो रेडी हो गया। तो अभी हमें पिक्चर को सेव करने के लिए ऊपर शेयर वाला आइकन पर हमें टैप कर देना है, देन सेव टू डिवाइस पर हमें टैप कर देना है, जो पिक्चर था वो सेव हो जाएगा गले में। ओके सो फ्रेंड्स, ये वाला जो वीडियो था वो वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को कर देने के लाइक, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते मत भूलना, वीडियो देखने के लिए, और मेरा इंस्टाग्राम आईडी को भी फॉलो कर लेना।